आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मसूद अजहर का जो भांजा है वो मार दिया गया अवंतीपुरा में। अब बात करेंगे दोस्तों, पुलवामा अटैक में इन्वॉल्व था, ठीक है। तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करो, इंस्टा पे फॉलो करो, टेलीग्राम पे आओ। बहुत बड़ी सक्सेस मिली है ये, आप समझिए। जो अवंती सॉरी ये BSF नहीं, ये CRPF होगा, कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने सैटरडे को जैश ए मोहम्मद इस्माइल अलियास लंबू, जो कि मसूद अजहर का भांजा था, उसको खत्म कर दिया। साउथ कश्मीर अवंतीपुरा में पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में एनकाउंटर में मारा गया। तो इस्माइल अलवी अलियास अदनान अलियास लंबू, इसका नाम था, लंबू बुलाते थे, लंबा था ना, आपने देखा ये है, ठीक है, ये जो सबसे लंबा वाला है इसको मारा है। तो जो पुलवामा अटैक हुआ था 2019 फरवरी में, 40 CRPF जो वीर गति को प्राप्त हुए थे उसमें ये इन्वॉल्व्ड था। इस्माइल को मारा गया है और एक और टेररिस्ट, तो टोटल दो मिलिटेंट्स को मारा गया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। SSC GD का हमारा शानदार बैच, कल से पेड क्लासेस स्टार्ट हो रही है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में ऐप का लिंक दिया हुआ है। अभी दोस्तों फ्राइडे की रात को ही ये मैंने न्यूज भी कवर की, BSF ने दो घुसपैठियों को भी मारा जो कि बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे। फिर पिछले महीने 15 दिन पहले ड्रोन से हमला करने की कोशिश की। तो ये आप देख रहे हैं, थोड़ा बॉर्डर पे हलचल होती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल मोहम्मद इस्माइल अलवी कौन था, इसको अबू सैफुल्ला या फौजी भाई भी बोला जाता था, और ये जैश ए मोहम्मद का मेन कमांडर था। 2000 में जैश ए मोहम्मद बनी, राइज ऑफ जैश ए मोहम्मद पे मैंने एक पूरा सेपरेट लेक्चर लिया है। जैश ए मोहम्मद पुलवामा अटैक में मेन कल्प्रिट था ये मसूद अजहर, इसको छोड़ दिया गया था। जब 1999 में ICJ-841 को हाईजैक करके कांधार ले गए थे अफगानिस्तान, 180 हॉस्टेजेस थे, आतंकियों ने हमारे भाई बंधुओं को पकड़ लिया था, फ्लाइट उड़ी नेपाल की फ्लाइट और उसको सीधा हाईजैक करके कांधार ले गए, और वहां पे फिर नेगोशिएशन में मसूद अजहर को छोड़ दिया गया, वरना ये जाते ही नहीं। तुरंत अगले ही साल 2001 में इसने हमला कर दिया पार्लियामेंट में, उसमें भी जैश ए मोहम्मद इन्वॉल्व था। फिर ये शांत रहा, लेकिन सबसे बड़ा हमला 2019 में इसने किया, 2019 में पुलवामा अटैक अब तक का सबसे बड़ा हमला था, जब हमारे 45 CRPF भाइयों की जान चली गई। तो तब से वी आर ऑन हंट, या तो ढूंढ ढूंढ के मारेंगे। भारत ने बहुत तगड़े से बदला लिया, और भारत ने 370 को क्रैक किया 5 अगस्त 2019, और उसके बाद फिर तब से लेकर अभी तक ज़्यादा हलचले हुई नहीं है। अब हालांकि इसमें डिबेट है, काफ़ी डिबेटेबल इशू है, कि तुरंत कर्फ्यू लगा दिया गया, राइट टू इंटरनेट छीन लिया गया, बहुत दिक्कतें हुई, ये बिल्कुल बात सच है, लेकिन अब उसमें फिलहाल हम नहीं जाते हैं, उसमें कौन सही कौन गलत, उसमें ऑलरेडी मैं आपको बता ही चुका हूँ, उसमें काफ़ी लेक्चर्स लिए हैं। तो ये पुलवामा अटैक में शामिल था। भावलपुर पाकिस्तान में रहता था, ये IED एक्सपर्ट था। IED समझते हैं ना, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, ये कहीं पे भी लगा दिया जाता है, कार में लगा दिया कहीं पर, उसको डेटोनेट किया जाता है, रिमोट कंट्रोल से डेटोनेट किया, बेसिकली छोटे मोटे हमले करने के लिए ये काम आता है, लेकिन अच्छा खासा नुकसान पहुंचाता है। तो IED का ही एक्सपर्ट था, और इसको फौज जो है वो काफी टाइम से ढूंढ रही है। तो मोहम्मद इस्माइल 2017 में भारत आया था, यहां पे रेकी कर रहा था, और काफी ज्यादा टेररिस्ट एक्टिविटीज की थी इसने पुलवामा और अनंतनाग में, लेकिन अब इसको धर लिया गया और मार दिया गया। मोहम्मद इस्माइल त्राल में भी आतंकी गतिविधियां करता था, नेशनल हाईवेज एरिया को डिस्टर्ब करने की, क्योंकि IED एक्सपर्ट था, और IED बेसिकली रोड साइड बॉम्ब कहलाते हैं, कि कहीं रोड पे धमाका करना हुआ, रेस्टोरेंट में धमाका करना हो तो IED लगा दो। लोकल मिलिटेंट समीर अहमद दार के साथ इसने काम किया,
2020 में, मार्च 2020 में, पिछले साल जब फौज को पता लगा कि इस्माइल अलवी जिनपुरा आया है, तो सिक्योरिटी एजेंसीज गई मारने के लिए, एनकाउंटर हुआ लेकिन वहां से ये भाग गया। उसके बाद ये अफगानिस्तान भी गया, अफगानिस्तान में आपको पता ही अभी तालिबानी एक्टिव है, तो तालिबान को भी इसने सपोर्ट किया, चोर चोर मौसेरे भाई, तो आतंकी आतंकी मौसेरे भाई। इंटेलिजेंस एजेंसीज की माने तो फिदाइन अटैक करना है, भारत को मारना है, खत्म करना है, पुलिस सिक्योरिटी फोर्स को खत्म करना है, बहुत ज्यादा मोटिवेटेड था। जब भैया जैश मोहम्मद का जो चीफ है मसूद अजहरी, भाई इतनी जहर उगलता है तो ये कहां पीछे रहेगा, ट्रेन तो उसी ने किया होगा ना, उसी का रिश्तेदार है, उसी का भांजा है। लोकल यूथ को भी इसने काफी ज्यादा मोटिवेट किया है, पत्थरबाजी करो, जितना हो सके इस एरिया में पीस डिस्टर्ब करो। दोस्तों अभी एक रिपोर्ट आई है, अब कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज कश्मीर के एरिया में काफी चल रही है। अच्छी बात है कि अभी सरकारी जॉब निकली थी, वैकेंसी निकली थी, तो 40,000 वहां के युवाओं ने अप्लाई किया है। ये एक थोड़ी सी अच्छी खबर है, क्योंकि अब देखो भाई सिंपल सी बात है, वहां के युवाओं को चाहिए नौकरी, कोई वॉर लड़ना नहीं चाहता है, आतंकी वॉर तो कोई नहीं। आपने देखा अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, अफगानिस्तान में वहां के जो आम लोग हैं वो भाग रहे हैं अफगानिस्तान छोड़ के, पासपोर्ट ऑफिस के सामने लंबी लाइन लगी हुई है, वहां पे बता रहे हैं कि तालिबान के डर से हम अफगानिस्तान छोड़ के भाग रहे हैं। 2,000 लोग आते थे पहले हर दिन, अब 10,000 लोग, सुबह 5 बजे से लंबी लाइन, कोई भी यार नहीं चाहता है कि अमन चैन बिगड़े, आप नौकरी दे दो, आप यहाँ पे जबरदस्त डेवलपमेंट कर दो, सब शांत हो जाएगा। तो यही सरकार की मंशा होनी चाहिए, क्योंकि अब जम्मू एंड कश्मीर हमारी यूनियन टेरिटरी हो गया है। तो अब जब प्रॉब्लम थी तो ये लोकल यूथ को बहुत बरगलाता था कि अरे तुमको तो मार देंगे, ये रेफरेंडम हुआ नहीं कश्मीर में, तो एक काम करते हैं, ये लो पत्थर और शुरू हो जाओ, पत्थरबाजी करो। अवंतीपुरा को इसने बहुत जबरदस्त तरीके से यूटिलाइज किया, काकपुरा पामपुर एरिया का नाम था काफी ज्यादा, और मैंने बताया कि आर्मी सर्च कर रही थी, नए मिलिटेंट ग्रुप से भी इसने हाथ मिलाया, क्योंकि बहुत अच्छे से इसको एरिया की नॉलेज थी, तो आतंकियों को एक जगह से दूसरी जगह का रास्ता भी बताता था कि कहां से जाओ जहां आर्मी अटैक ना करे। और लोकल यूथ को भी ये, क्योंकि खुद भी एक यूथ था, तो लोकल यूथ को भी ये अट्रैक्ट करता था कि तुमको मिलिट्री रैंक दी जाएगी। अब दो आतंकी मारे गए हैं, भारतीय फौज ने दो आतंकियों को मारा है, इंडियन फोर्सेज ने, 19 कॉन्स्पिरेटर्स थे टोटल जिन्होंने पुलवामा अटैक किया था, उसमें से 8-9 को मार दिया है, 10 अभी भी बचे हैं, ढूंढ ढूंढ के मार रही है हमारी आर्मी, बहुत बढ़िया। वो नहीं था कि जब 1975 म्यूनिच ओलंपिक में फलस्तीन आतंकवादियों ने यहूदियों को मार दिया था जो ओलंपिक्स में पार्ट लेने आए थे, तो 20 साल तक मोसाद ने उनको ढूंढ ढूंढ के मारा था, यही हमारी आर्मी भी कर रही है, सीआरपीएफ भी कर रही है। मोहम्मद इस्माइल अलवी के साथ समीर दार भी था, समीर दार और मोहम्मद इस्माइल अलवी बड़े अच्छे दोस्त थे, और आपको बता दो समीर दार काफी पढ़ा लिखा था, एमएससी ड्रॉप आउट है ये, पुलवामा का ही रहने वाला है, एमएससी ड्रॉप आउट है ये। दो आतंकियों को जंगलों में मारा है, ये खबर चली कि जंगलों में छुपे हुए हैं पुलवामा में, बहुत खूबसूरत एरिया है ना भैया कश्मीर, तो पूरा घाटियों बहुत ही खूबसूरत से घाटी, कश्मीर घाटी बहुत खूबसूरत है, लश ग्रीन, और इस समय तो मानसून तो और ज्यादा। तो जब पता चला तो सर्च ऑपरेशन हुआ, टिप मिली कि आतंकी है, ऑपरेशन चलाया, एनकाउंटर हुआ, दोनों को वही मार गिराया गया। कश्मीर के जो आईजी हैं पुलिस, आईजी ऑफ इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस विजय कुमार ने इसको कंफर्म किया कि दोनों मार दिए गए हैं, और इस साल हमने 80 आतंकियों को मारा है। आप सोच रहे होंगे कि बहुत ज्यादा, बहुत कम है, ये आतंकवाद घटा है, वरना ये आंकड़ा 150 से 200 तक जाता था। तो ये चीज है, ऐसा ही होना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए, आतंकियों की एक ही जगह है। आतंकियों को बोला जाता है कि तुमको जन्नत मिलेगी, तुमको हूरे मिलेगी, हाँ तो ठीक है ना, हूरे मिलेगी तो जन्नत पे तुमको हम भेजेंगे। ऐसा हमारे शानदार ऐप स्टडी ग्लोज लर्निंग ऐप को आप डाउनलोड करें, यूपीएससी का प्री प्लस मेंस फाउंडेशन कोर्स, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, कोर्स बहुत अच्छे से चल रहा है दोस्तों, एनसीईआरटी कंप्लीट हो गई है, अभी हम GS2 GS4 पढ़ा रहे हैं, और अभी आपको सीधा 10% ऑफ मिलेगा।
जाइए, कोर्स को अवेल करिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री सैनी।